नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। तो कल बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यहाँ पे तय करा जाना था कि जो एक्सटेंशन किया जाए कि नहीं ना किया जाए, जो वर्किंग आवर है या काउंटर आवर है पोस्ट ऑफिसेस के, जीडीएस पोस्ट ऑफिसेस के, ब्रांच ऑफिसेस के। तो मीटिंग ख़त्म हो गई है कल और पूरी रिपोर्ट की ऑर्डर कॉपी हमारे पास है। जो उन्होंने क्या हुआ मीटिंग में आपको बता दें, सभी यूनियन, बड़ी यूनियन आप देख सकते हैं, चारों बड़ी यूनियन थी और डिपार्टमेंट के तरफ से भी आला अधिकारी थे और वहाँ पे मीटिंग में बातचीत की गई। एक एक यूनियन की तरफ से पॉइंट रखा गया और सभी पॉइंट को यहाँ पे ध्यान पे रख के ये ऑर्डर कॉपी जारी की गई है। लेकिन आपको बता दें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 8 घंटे का, जो कि सभी यूनियन ने लगभग उठाया था, उसको इग्नोर कर दिया गया। पर इस बात पे, इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि कुछ पोस्ट ऑफिसेज हैं जिनके 8 घंटे से ऊपर काम जा रहे हैं या वर्किंग आवर बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो नेटवर्क है इशू है या फिर आपका डिवाइस का है, डिवाइस रिक्ट डिवाइस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे जो है यहाँ पे कार्रवाई की जाएंगी। और बाकी टाइमिंग और जितने भी आपका, अगर हम Rule 3A की बात करें या फिर 8 घंटे की बात करें, उन चीज़ों को नहीं माना है मीटिंग में। बस इतनी बात मानी है कि कनेक्टिविटी की वजह से कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर नेटवर्क की वजह से आ रही है, उनको जो है जितने भी यूनियन ने अपना सुझाव रखा उनको यहाँ पे सही किया जाएगा और कार्यवाही होगी। आपको बता दें 27 फरवरी 2020 से पहले जितने भी पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे ये ऐसी प्रॉब्लम पाई जा रही है, उस पर जो है 27 तारीख के बाद से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये जो चीज़ है वो निराश कर देगी सभी जीडीएस को, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीद थी इस मीटिंग से, लेकिन यहाँ पे भी कुछ निकल कर नहीं आया। जैसे कि आपको बता दे कि 8 घंटे वाला भी का बहुत सारे यूनियन ने यहाँ पे सामने रखी थी बात, लेकिन नहीं मानी गई। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जो कल के मीटिंग से निकल के आ रही है। तो इस तरह के अपडेट्स अगर आपको और भी चाहिए, डिपार्टमेंट के इंटरनल सारी खबरें चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।